नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि हमारा शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग अध्ययन करेंगे दर्शन, क्योंकि हम लोगों ने शिक्षा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके आगे जो है आप सिलेबस मिला दीजिएगा, तो उसके आगे हम लोग आज अध्ययन करेंगे दर्शन फिलॉसफी क्या होता है। तो इसको दर्शन को अध्ययन करने से पहले आप सभी लोग चैनल पे जितने भी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो आइए देखते हैं कि दर्शन क्या होता है, फिलॉसफी क्या होता है। देखिए, दर्शन फिलॉसफी, इस दर्शन से क्या मतलब है? दर्शन, तो दर्शन जो हमारा जो हिंदी का जो शब्द है, ये दर्शन, ये संस्कृत भाषा के दृश्य, जो संस्कृत भाषा के दृश्य धातु नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है देखना। किस शब्द से लिया गया है? संस्कृत भाषा के दृश्य धातु नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? देखना। देखिए क्या मतलब है कि दृश्य धातु के करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगाने से, जब दृश्य धातु जो हमारा है इस दृश्य में, जब करण अर्थ में जब हम ल्यूट प्रत्यय जब लगा देते हैं, तो उसी का अर्थ हमारा क्या बन जाता है? दर्शन बन जाता है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य धातु के करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगाकर हुई है। इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। इसका क्या अर्थ है? देखना। हम किसी वस्तु को देखते हैं, वही है दृश्य धातु से देखना। आगे अगर हम देखें, ये तो हिंदी शब्द जो था दर्शन उसके बारे में जाने। अगला जो है फिलॉसफी, क्या है? फिलॉसफी, अंग्रेजी भाषा में इसको हम कहते हैं फिलॉसफी, और फिलॉसफी को ही हिंदी भाषा में हम दर्शन कहते हैं। तो जो हमारा फिलॉसफी जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? एक एक टॉपिक को, एक एक बातों को ध्यान देते रहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पेपर में एक एक टॉपिक अगर यही सब कोटेशन अगर आप लिख रहे हैं तो आपको नंबर बढ़ाएगा। तो किस शब्द का है? तो फिलॉसफी जो है यूनानी भाषा का शब्द है, और यूनानी भाषा का जो फिलॉसफी जो शब्द है, इसी फिलॉसफी को अगर हम दो पार्ट में तोड़ें तो हमारा क्या क्या बन क्या आता है? एक आता है फिलॉस और एक आता है सोफिया। जो हमारा फिलॉस है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है प्रेम से, और जो हमारा सोफिया है उसका अर्थ हमारा निकल करके आता है ज्ञान से। इस प्रकार प्रेम और ज्ञान जो है फिलॉसफी शब्द, फिलॉसफी शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? विद्यानुराग या ज्ञान से प्रेम। जो हमारा विद्यानुराग या ज्ञान से प्रेम। इस प्रकार अगर हम दर्शन जो शब्द है उसको अगर हम देखें, तो दर्शन शब्द परम तत्व या परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कराता है, इसी को हम क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। किसके किसके कारण? कौन सा वो शब्द है? परम तत्व या परम सत्य, इसी के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त कराता है। तो आगे आप समझ गए कि दर्शन हिंदी में क्या है और इंग्लिश में क्या है, तो यही आपका हिंदी में भी बता दिया गया है। तो अगर हम इसका अर्थ देखें तो एक शब्द में लिखा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इसका क्या अर्थ है? दृश्यते, एक शब्द क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इस शब्द को ध्यान दीजिए, इसका क्या अर्थ है कि इस प्रकार दर्शन वह विज्ञान है, मतलब दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वही क्या है? दर्शन है। तो इस प्रकार अगर हम दर्शन वह विज्ञान है जिसे देखकर क्या करें, जिसे देखकर जाना जा सके, वही क्या है? दर्शन है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो कुछ समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर दिया करिए, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए क्या है, जो दर्शन है, दर्शन की परिभाषा अगर हम देखें तो परिभाषा क्या है, तो कुछ विद्वानों ने अपने अपने मतों को दिया है, कुछ परिभाषाओं को दिए हैं। क्या है? पहला, जैसे अरस्तु, अरस्तु क्या दिए हैं कि दर्शन ऐसा विज्ञान है, अब इसके पहले हम इस बात को आपको बता भी चुके थे कि दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व, इसके बारे में भी मैं बताया था बोल करके, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख दिया, परम तत्व या के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। कहने का क्या मतलब है कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ, साइंस इज साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इट सेल्फ।
तो दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। क्लियर हो गया होगा। आगे जो है प्लेटो, प्लेटो के शब्दों में क्या है कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। क्या है? पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही क्या है? दर्शन कहलाता है। फिलॉसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ द इंटरनल नेचर ऑफ थिंग्स। अगला राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार क्या है? यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। तर्क देना, तार्किक विवेचन करना ही क्या है? दर्शन है। ये डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार है। फिलॉसफी इज द लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। क्या है? फिलॉसफी इज द लॉजिकल इंक्वायरी, तार्किक विवेचन इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। ये राधा, डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार है। कांटे के अनुसार क्या है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। जो हमारा दर्शन है वो विज्ञानों का ही विज्ञान है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। ये हमारा क्या हुआ कि दर्शन की परिभाषाएं हुई। इसको आप लोग नोट करिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है दर्शन के जो कार्य, दर्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अर्थ उसकी पढ़े, परिभाषा जाने, परिभाषा के बाद उसके हम क्या जानेंगे? दर्शन के कार्य। जैसे देखिए दर्शन के सबसे पहला कार्य क्या है, क्या कह रहा है दर्शन कि दर्शन व्यक्ति की जिज्ञासा को, जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति, क्योंकि दर्शन एक ऐसा चीज है जो कि हमारी जिज्ञासा को कभी शांत ही नहीं कर सकता है। हमारी जिज्ञासा, जितना ही हम किसी चीज़ को खोजने के लिए हम तत्पर हों, किसी चीज़ को जानने के लिए हम प्रयास करें, वो कभी शांत नहीं हो सकता है जब तक कि वो हमको परम सत्य, परम तत्व जो था, सत्य की खोज करना। दर्शन का मतलब क्या होता है? सत्य की खोज करना। जब तक से उस सत्य के बारे में हम जान नहीं जाते हैं तब तक से वो हमारा मन, जो हमारा क्या है जिज्ञासा है, वो हमारा जिज्ञासा कभी शांत नहीं होता है। तो वही कहने का मतलब है कि दर्शन व्यक्ति के जिज्ञासा को शांत कर ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। जब हमारी जिज्ञासा, जब हमारी शांत कब होगी? जबकि हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब हमको ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। जब हमको ज्ञान मिल जाएगा, जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमारी जिज्ञासाएं क्या हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी। क्योंकि हमारी जिज्ञासाएं दर्शन वही चीज़ है कि जब तक से हम किसी अपने ज्ञान को, जब तक से हम अपने सत्य को खोज ना कर लें तब तक से हमारी जिज्ञासाएं शांत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि यह व्यक्ति को चिंतन की विधि बताता है। दर्शन के द्वारा क्या हुआ, जब आप तार्किक चिंतन जब आप करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेंगे, किसी के बारे में कैसे सत्य की खोज कैसे करेंगे? जब आप चिंतन करेंगे, खोजेंगे, आप सोचेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो वही कहने का मतलब है कि यह व्यक्ति के, व्यक्ति को चिंतन की विधि बताता है कि आप कैसे सोचेंगे, कैसे आप चिंतन करेंगे, और स्वतंत्र चिंतन की प्रेरणा देता है। इस दर्शन के द्वारा आप स्वतंत्र होकर के आप किसी भी चीज़ को, आप परम सत्य की खोज आप कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि यह व्यक्ति को चिंतन की विधि बताता है और स्वतंत्र चिंतन की प्रेरणा देता है। अगला पॉइंट आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, दर्शन विचारों के धुंधलेपन अथवा अस्पष्टता को दूर करता है। दर्शन जो हमारा है वो विचारों के धुंधलेपन, विचारों का धुंधलापन का मतलब क्या है कि हमारे इस जगह पे बहुत से लोग बहुत ही भ्रम में जुड़े हुए हैं, बहुत ही भ्रम बना हुआ है, वो इसी को मान लेते हैं यही सत्य है, अपने परिवार को ही वो मान लेते हैं यही सत्य है, यही जीवन है। लेकिन नहीं, परम सत्य ये आपका जो मोह माया है ये नहीं है। परम सत्य की खोज ही, आत्मा परमात्मा की खोज करना, ये आपका सत्य है, परम सत्य है। तो कहने का मतलब है कि दर्शन विचारों के धुंधलेपन, आपका जो मोह माया है ये धुंधलापन आपका है, इससे आप दूर हटिए। तो धुंधलेपन अथवा अस्पष्टता से को दूर करता है। जब आप दर्शन में जब आप चिंतन करेंगे, जब आप तार्किक चिंतन करेंगे, जब अपनी जिज्ञासा को आप परम सत्य की खोज करेंगे, तो आपका धुंधलापन जो होता है, जो आपका मोह माया है, जो आप आसपास पड़ोस से जो आप लगाव है, ये सब कुछ से आप क्या हो जाएंगे? दूर होंगे। आप सत्य की खोज करेंगे,
और सत्य की जब खोज हो जाती है, जब हमको जब ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है, तो हमारा वहीं पे जिज्ञासाएं क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती है। लेकिन दर्शन कभी हमारी जिज्ञासाएं, दर्शन हमारे तार्किक हर समय हमको खोज के लिए प्रेरित करता है। हम हमेशा खोज के लिए एक चीज़ अगर हम खोज लिए तो दूसरे खोज के लिए हम अपने आप को प्रेरित हो जाते हैं। यही कहने का मतलब है। तो अस्पष्टता को दूर करता है, जो कुछ भी हमारी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास का जो मोह माया है, उससे हमको दूर करता है। अगला पॉइंट आप ध्यान दीजिए, यह शब्दों और अर्थों का विश्लेषण करके कार्य की सही दिशा निश्चित करता है। जो भी हमारे शब्द हैं, जो भी हमारे अर्थ होते हैं, उस अर्थ का, शब्द का विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, कार्य को सही दिशा प्रदान करता है। आप एक सही रास्ते पर आप चलना सीख जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही भटकते हुए चले जाएंगे, आप पता नहीं चलेगा आप कहाँ हैं, कौन हैं। अगला पॉइंट क्या है कि यह मानव जीवन के आदि अंत पर, जो भी मानव का जीवन होता है उसका आदि क्या है, उसका अंत क्या है, यही तो परम का सत्य है। परम सत्य हमारा क्या है कि आदि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है। और क्योंकि हर एक आदमी अपने आप को बता तो रहे हैं, हमको अगर मानव जीवन मिला है तो हम अपने आप को यही सोच लेते हैं कि यही हमारा जीवन है, इसी में हमको पूरे जीवन भर बिता देना है, इसी में हमको रहना है। लेकिन नहीं, आपको मृत्यु भी तो होती है, आपका आदि होता है, आप जन्म लेते हैं, जन्म के साथ साथ आप मरते भी तो हैं। परम सत्य यही है, आज तक कोई यही नहीं खोज पाया कि आदमी मर क्यों जाता है। तो परम सत्य जो आदि से अंत तक है, विचार करके जीवन को सो उद्देश्य पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। आपका उद्देश्य होता है कि आप परम सत्य की खोज करें। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए कि दर्शन जीवन की विसंगतियों को दूर करके सामंजस्य लाने के प्रयास करता है। जो विसंगतियां हैं, जो हमारे जीवन की जो कुछ भी हैं, उसको हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। और दूर करके हम आपस में क्या करते हैं, सामंजस्य लाने का प्रयास करते हैं, हम सामंजस्य लाते हैं। तो हम लोगों ने क्या अध्ययन किया, दर्शन के कार्य। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखेंगे कि दर्शन की शाखाएँ क्या होती हैं। आइए देखते हैं कि दर्शन की शाखाएँ क्या हैं। देखिए, जो दर्शन है, दर्शन की जो शाखाएं हैं, तो दर्शन की जो शाखाएं हैं वो मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। उसको शिक्षा की दृष्टि से दर्शन के शाखाओं को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला क्या है हमारा, तत्वमीमांसा। क्या है, तत्वमीमांसा। दूसरा हमारा क्या है, ज्ञान मीमांसा। और तीसरा हमारा क्या है, मूल्य एवं आचार मीमांसा, मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला जो तत्व मीमांसा है वो क्या है। तो दर्शन में अगर हम देखें तो ये दर्शन में जो तत्व मीमांसा की अगर हम बात करें तो तत्व मीमांसा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। दर्शन में तत्व मीमांसा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। इसमें दृष्टि संबंधी जो कुछ भी हम देखते हैं, दृष्टि संबंधी तत्व, ज्ञान अर्थात सृष्टि शास्त्र और आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान एवं ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान आते हैं। क्या क्या आता है, एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए कि दर्शन में तत्व मीमांसा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। इसमें दृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान अर्थात सृष्टि शास्त्र और आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान एवं ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान आते हैं। कौन कौन से तत्व ज्ञान आते हैं, तो दृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान आते हैं, सृष्टि शास्त्र आता है और आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान आते हैं एवं ईश्वर से संबंधित तत्व ज्ञान आते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या है कि इसमें सृष्टि सृष्टा, इस बातों को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत के साथ साथ मानव जीवन की व्याख्या और वास्तविक सौंदर्य की रचना की जाती है। क्या क्या आता है, ये जो तत्व मीमांसा होता है इसके अंतर्गत सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत एवं मानव जीवन की व्याख्या और वास्तविक सौंदर्य, क्या चीज, और वास्तविक सौंदर्य की रचना भी की जाती है। आगे क्या है कि इस क्षेत्र में अब तक जो कुछ भी सोचा विचारा जा चुका है उसका तार्किक विवेचन ही विषय वस्तु है। तो तत्व मीमांसा हम समझते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। आइए देखते हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या होता है।
जो दर्शन है, दर्शन के शाखाओं को हम तीन भागों में बांटते हैं। इसमें आइए देखते हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या होता है। तो ज्ञान मीमांसा देखिए क्या होता है कि ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में मानव बुद्धि क्या है, मानव बुद्धि ज्ञान के स्वरूप, जो बुद्धि होती है हमारी, जो ज्ञान होता है उसके स्वरूप, ज्ञान की सीमा, एक एक लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बुद्धि ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की सीमा कि हमारी ज्ञान कहाँ तक है, किस सीमा तक है हमारा ज्ञान, और ज्ञान की प्रामाणिकता, क्योंकि ज्ञान तो लगभग लगभग सब लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ज्ञान की प्रामाणिकता भी बहुत ही जरूरी होती है। तो ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ कि ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें कि कौन कौन सी विधियाँ हैं, और ये क्या है, और ज्ञात और ज्ञेय के बीच संबंध, किस किस के बीच में संबंध, ज्ञात जो ज्ञात और ज्ञेय इन दोनों के बीच में संबंध, तर्क की विधियाँ कि हम कैसे तर्क किसी चीज़ को, कोई भी मेरा मान लीजिए अगर टॉपिक ही है तो उसके बारे में हम कैसे उसके लिए तर्क करेंगे, तो तर्क की जो विधियाँ हैं, सत्य असत्य क्या प्रमाण, क्या सत्य है और क्या असत्य है, तो सत्य असत्य क्या प्रमाण, और भ्रम की व्याख्या आती है। पिछले भी बता चुके थे कि भ्रम की स्थिति नहीं होती है, वो उसको दूर करता है भ्रम की स्थितियों को। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसका प्रमाण देता है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, और भ्रम की व्याख्या होती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं तीसरी क्या है शाखाएँ, तीसरी जो शाखा इसकी है वो है मूल्य मीमांसा, या इसी को हम कहते हैं आचार मीमांसा। तो मूल्य या आचार मीमांसा इसको हम कहते हैं। इसमें देखिए क्या है कि इस क्षेत्र में मानव जीवन के आदर्श एवं मूल्यों की विवेचना आती है। किसकी विवेचना आती है, मूल्य से मतलब क्या है कि आपका जो मूल्य है, आपकी जो कीमत है, आप एक वस्तु भी खरीदने जाते हैं उसकी भी एक मूल्य होती है, तो उसी तरह एक मानव जीवन में मूल्य की क्या है वास्तविकता, इसको जानिए कि इस क्षेत्र में मानव जीवन के आदर्श, जो आपका आदर्श है, आप कैसा दूसरे के सामने व्यवहार करते हैं, आपका क्या सम्मान है, क्या है कि आदर्श के एवं मूल्यों की विवेचना आती है कि आपका आदर्श कैसा है, आप अच्छे हैं बुरे हैं, और उसके मूल्यों की विवेचना, जैसा आप व्यवहार करेंगे दूसरे से वैसा आपका उस अनुसार आपका मूल्य होगा। आप अगर सम्मान हैं, आपको अगर सम्मान अगर आप किसी और को देते हैं तो आपको भी सम्मान मिलता है, वो आपका आदर्श है। आगे देखिए क्या है, तथा मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य, आपका जो मानव का जो अंतिम उद्देश्य होता है, उस अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन की विवेचना आती है कि आपका अंतिम उद्देश्य क्या है, उसको आप कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में मूल्य मीमांसा बताता है। आगे क्या कह रहा है कि और मानव के करड़ी अकड़ी, आप कैसा कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर्म कर रहे हैं, तो आपके करड़ी और अकड़ी, आप सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं, तो करड़ी तथा अकड़ी कर्मों की विवेचना को ही नीति शास्त्र करते हैं कहते हैं। नीति शास्त्र मतलब क्या है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, तो करड़ी अकड़ी के कर्मों की विवेचना नीति शास्त्र के अंतर्गत आती है, नीति शास्त्र उसको हम कहते हैं। आगे देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि कोई भी आदर्श, हम जानते हैं कि कोई भी आदर्श मूल्य का रूप तभी धारण करता है, जैसा मैं बताया कि आपका आदर्श, जैसा आप व्यवहार प्रस्तुत करेंगे वही आपका क्या है, आदर्श होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि कोई भी आदर्श मूल्य का रूप धारण तभी करता है जब वह हमारे आचरण से परिलक्षित हो जाए, हमारा आचरण जैसा होगा उसे क्या होता है, परिलक्षित होता है। यहाँ से दो बातें ध्यान दीजिए कि हमारे आचरण से परिलक्षित होता है और हमारे आचरण का अंश बन जाता है। हम जैसा व्यवहार, अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो मुझे अच्छा जाना जाएगा, हमारा आचरण अच्छा कहा जाएगा, तो परिलक्षित वो अंश बन जाता है। मूल्य और आचार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मूल्य और आचार, मैं बताया भी कि मूल्य मीमांसा और आचार मीमांसा एक ही चीज़ होता है, एक ही चीज़ एक ही लोग जुड़े हुए होते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जब तक कोई दर्शन मनुष्य के आचरण की दिशा प्रदान नहीं करता है, कोई भी मनुष्य हो, जब तक से उसमें दर्शन कब निहित होता है, तो जब तक कोई दर्शन मनुष्य के आचरण को की दिशा प्रदान नहीं करता है, तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता है। आपका आचरण जब तक से सही नहीं होगा तो आपका जो कुछ भी आप करेंगे वो एक सही दिशा में प्रदान नहीं करता है, वो सही दिशा आपको नहीं देगा, दर्शन का यही मतलब है। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को तत्व मीमांसा,
ज्ञान मीमांसा, मूल्य एवं आचार मीमांसा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इतना परिश्रम आप लोगों के लिए किया हूँ कि बोर्ड पे एक एक शब्द को आपको लिख लिख करके कि आप लोग पेपर में अपना नोट्स इसको बनाइए और बना करके आप पेपर में इसको बहुत ही अच्छे से उसको आप लिखिए, आप अच्छे नंबर प्राप्त करिए। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार हम चाहते हैं कि इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो इतनी लिखी हुई बातें, हमारी बताई हुई बातें मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि मैं अगर बता देता तो आप लोग के तुरंत उड़ जाता दिमाग से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले करके इसको आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो आइए हम समझते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोगों ने आज दर्शन के बारे में अध्ययन किया। इसके अगले वीडियो में हम लोगों ने देखिए शिक्षा के बारे में हमने पहले अध्ययन किया, अर्थ परिभाषा सब कुछ उसके बारे में हम लोगों ने जाना। शिक्षा के बाद हम लोगों ने आज दर्शन के बारे में जाना। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो शिक्षा और दर्शन, कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा और दर्शन दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगला बस इतना ही मैं इसके बारे में बताऊँगा, अगला जो कुछ भी मैं बताऊँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इसके लिए आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ धन्यवाद।